Good morning, student. I am Ritika Rathod from Sunita Global School. I will teach you subject Max for class 4. इसे जो पहला वीडियो था उसमें हमने क्या किया था, उसमें हमने चैप्टर 10 एक्सरसाइज 10A कंप्लीट कर चुके थे अपन, और वो जो क्वेश्चन थे वो हमने कॉपी में किए थे, जिसमें फर्स्ट था कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे उनके आंसर्स लिखने थे, और सेकंड फिलिंग द ब्लैंक्स थे जो ब्लैंक्स को फिल करना था. अब हमने पढ़ा कन्वर्जन ऑफ मेजर फ्रॉम द हायर टू लोअर यूनिट. ये भी मैं आपको बता चुकी थी कि हायर यूनिट को लोअर यूनिट में कैसे चेंज करना है, तो वो आपको मैंने एग्जांपल्स के थ्रू समझाया था, और आज हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 10B. अब आज हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 10B, उसका फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कन्वर्ट इंटू ग्राम्स. इसमें क्या करना है आपको, ग्राम में कन्वर्ट करना है, केजी की जो यूनिट होगी उसको ग्राम में कन्वर्ट करना रहेगा. हाँ, जैसे कि फर्स्ट क्या दे रखा है, 26 kg. 26 kg को किस में चेंज करना है, ग्राम में. ओके, ग्राम में. तो अब ये सब चीज कैसे करते हैं, पहले आपको मैं ये फॉर्मूला बता देती हूँ. ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये वाला एग्जांपल देखो, चेंज 10 kg 360 ग्राम इंटू ग्राम. इसको केजी को ग्राम में चेंज किया, कैसे किया ये सबको पता है, ये याद रखना है कि 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं, तो किससे इंटू कर दिया, इसको 1000 से इंटू कर दिया. तो हम भी वैसा ही करेंगे, तो अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम. क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे आप, क्लास वर्क लिखा, क्लास वर्क लिखने के बाद एक्सरसाइज 10B है अपनी, डेट मेंशन करना है, क्लास वर्क एक्सरसाइज 10B, 1 line लीव. क्वेश्चन नंबर 1, कन्वर्ट इनटू ग्राम्स. फिर वापस 1 line लीव, और फर्स्ट ए क्या था अपने पास, 26 kg, इसको किस में चेंज करना है, कन्वर्ट करना है ग्राम में. ग्राम में चेंज करते हैं, सिंपल सा मैंने अभी आपको बताया था कि 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं, तो इस 26 को किस में चेंज कर, किस से इंटू करेंगे, 26 को हम इंटू करेंगे 1000 से. 1000 से इंटू करने के लिए सॉल्व करती हूँ मैं, आपने ए नंबर डाला, अब इसको सॉल्व करो, 26 × 1000 कर सकते हैं ऐसे. ऐसे करने के बाद इसके पीछे लिख दो ग्राम, 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम, तो हमने 26 को 1000 से इंटू कर दिया. इन दोनों को इंटू करने पे क्या आंसर आएगा, इंटू करके देख लो, इधर 6 × 0 = 0, 6 × 0 = 0, 6 × 0 = 6, 2 × 0 = 2, 2 × 0 = 0, 2 × 0 = 2, 1 = 2. अब इनको प्लस करो, 0 × 0 = 0, 0 × 0 = 0, 6 × 6 = 2, 2 × 1 = 1. क्या आंसर आया हमारा, 1 नहीं आएगा इधर, सॉरी, 2 × 2 = 6, ये तो प्लस है ना, तो 2 × 26 = 1000 हो गया. तो यहाँ पर भी आंसर आ गया 26000. अब ये किस में चेंज हो गया, अब ये चेंज हो गया ग्राम में, तो पीछे लिख देंगे हम ग्राम, समझे, ये भी ये ऐसे होगा, सिंपल है. अब नेक्स्ट वाला देखो, नेक्स्ट वाला आपको अलग दिख रहा है फर्स्ट वाले से, क्योंकि इसमें डबल यूनिट आ चुकी है, ग्राम की भी और केजी की भी, लेकिन अपना क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सिर्फ चेंज किस में करना है, ग्राम, केजी वाले को ग्राम में चेंज करना है. ग्राम वाले को ग्राम में कैसे चेंज करोगे, तो वो तो एज इट इज लिख देंगे अपन, तो इसको चेंज करो आप भी, ए यहाँ पे लिखना और बी एज ए साइड में लिख सकते हो. ओके, फिर जैसे कि चेंज करोगे तो इसको कैसे करोगे, केजी में कौन सी यूनिट है, 8 वाली है, 35 तो ग्राम में ही है, 35 ग्राम में ही है, तो चेंज कौन सा होगा, 8 वाला, तो 8 इंटू किससे, 1000 से, 1000 फिर प्लस का प्लस, और 35 केजी का 35 केजी आप पीछे एज इट इज लिख सकते
हो, देखो वापस लिख के बता रही हूं मैं आपको। ये जी पूरा बनाऊं, एट को 8 into 1000 ग्राम लिख सकते हैं इसके पीछे, प्लस थर्टी फाइव ग्राम एज इट इज जो पीछे था वो नंबर प्लस में अपन ने लिख दिया। अब इन दोनों को इंटू करने पे क्या आंसर आएगा? सिंपल आपको पता है आंसर आएगा 8000। तो 8000 लिखो इधर, 8000 लिखने के बाद प्लस 35 ग्राम लिखा, अब इजिकल टू इन दोनों को प्लस करने पे क्या आंसर आएगा? 8035 प्लस करो, ऐसे प्लस तो सबको आता होगा, 5 का 5, 3 का 3, 0 का 0, 8 का 8, यही अपना आंसर है 8035 ग्राम, ये अपना आंसर है। ओके नेक्स्ट देखते हैं सी, सी कर लेते हैं यहाँ पे, वन लाइन लीव करके सी सी किया। ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर बुक में, सी क्या है? 48 kg 285 ग्राम, 48 kg 285 ग्राम, तो ये लिखते हैं अपन यहाँ पे। क्या क्वेश्चन है? 48 kg 285 ग्राम, यही है अपना क्वेश्चन। फोर्टी एट के जी 285 ग्राम, यही अपना क्वेश्चन है। 48 kg 285 ग्राम, इसमें कौन सी यूनिट चेंज होगी? 48 वाली केजी वाली होगी, क्योंकि 285 तो ग्राम में है ऑलरेडी है, तो चेंज करना है इसको। चेंज करते हैं 48 इंटू किससे? 1000 से, 1000 ग्राम प्लस 285 ग्राम, ऐसे होगा। इन दोनों को इंटू करने पे आंसर आएगा 48000, इंटू आपको आता होगा, जैसे यहाँ पर 26000 आया था तो यहाँ पर आ जाएगा 48000। बार बार मैं आपको मल्टीप्लाई करके नहीं दिखाऊंगी क्योंकि मल्टीप्लाई इजी है ये। ओके प्लस वापस वैसा एज इट इज पीछे लिखा था वैसे ही, प्लस 285 ग्राम, दोनों को प्लस करने का आंसर आएगा हमारा 48285 ग्राम, ये आंसर होगा हमारा। आप प्लस करके चेक कर लेना। ओके अब डी देखते हैं, डी नहीं करके ई करते हैं, हर क्वेश्चन के 4-4 करेंगे। ओके 750 ग्राम और 293, 750 kg लिखते हैं अपन। सी वाला क्या था? 750 kg और ग्राम क्या था? ग्राम चेक कर लेते हैं, 293 ग्राम, 293 ग्राम, 293 ग्राम
इसको चेंज करते हैं अपन, तो चेंज करेंगे, केजी वाली यूनिट चेंज होगी, तो 750 इंटू 1000, ओके, प्लस 293 ग्राम, इसके पीछे भी ग्राम लगा सकते हो आप यहाँ पे, ओके, इन दोनों को इंटू करने पे क्या आंसर आएगा, 750 इंटू 1000 को कैसे लिख सकते हैं अपन, 750 750 का 750 और इंटू 1000 किया, फिर उसके बाद प्लस यहाँ पे आएगा प्लस 293 ग्राम, इन दोनों को प्लस करने पे आंसर आया हमारा, प्लस करने पे आंसर क्या आएगा, 750 ऐसे लिख सकते हैं, 750 293 ग्राम, ये होगा इसका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर। अब जो मीटर की जो यूनिट होगी उसको चेंज किस में करना है आपको, सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए है किससे इंटू होगा, एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, ये सेंटीमीटर वाला एग्जांपल देखो, 100, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो ये इंटू किससे होगा, 100 से होगा, तो मैं ये आपको ये करके बताती हूँ। नेक्स्ट नीचे आप करोगे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर, यही अपना क्वेश्चन, कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर। फर्स्ट ए क्वेश्चन है 2 मीटर 48 सेंटीमीटर, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2 मीटर 48 सेंटीमीटर, तो लिखो 48 सेंटीमीटर, ओके, देखो अब इसको सॉल्व करते हैं। अब इसमें अपन ने क्या करना है, कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर, जैसे ऊपर हमने ग्राम में चेंज किया था वैसे यहाँ पर सेंटीमीटर में चेंज होगा, जो 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 यूनिट सेंटीमीटर में है वो सेंटीमीटर वाली यूनिट चेंज नहीं होगी, चेंज कौन सी होगी, जो मीटर में है, मीटर में कौन सी यूनिट है वो देख लेते हैं। अब इसको चेंज करेंगे कौन सी, जो 2 मीटर, क्योंकि ये किसमें है, मीटर में है, तो चेंज करने के लिए किससे इंटू होगा, 100 से, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो ये चेंज होगा 2 इंटू 100 सेंटीमीटर प्लस, पीछे एज इट इज लिख सकते हैं 48 सेंटीमीटर, चेंज करते हैं, इन दोनों को इंटू करने पे आंसर आएगा 200 प्लस 48 सेंटीमीटर। अब इन दोनों को प्लस करने पे क्या आंसर आएगा, प्लस करके दिखा देती हूँ इधर मैं आपको, फर्स्ट वाला 8 का 8, 4 का 4, 2 का 2, आंसर आया 248 सेंटीमीटर, तो यही आंसर होगा 248 सेंटीमीटर, ओके।
चेंज करने पे सेंटीमीटर में जब चेंज किया तो आंसर आया 248 सेंटीमीटर। अब बी क्वेश्चन सामने ही लिखना है। बी क्वेश्चन क्या है, 65 मीटर। इसको चेंज करते हैं 65 मीटर। ये सिंपल है, अभी एज इट इज 65 को मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 100 से मल्टीप्लीकेशन होगा तो आंसर आएगा हमारा 650। आंसर क्या आएगा, 650। तो यहाँ पर लिखो 6500, 6500 इंटू किया ऐसे 50 से 0, 50 से 0, 5 वन जा 5, इंटू 6 0 से 0, 6 0 से 0, 6 वन जा 6, 0 0 0 0 5 6। आंसर 650 नहीं, 6500। ओके, अब नेक्स्ट बुक में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये करते हैं 8 मीटर 9 सेंटीमीटर। नेक्स्ट करते हैं 8 मीटर 8 मीटर, सी वाला क्वेश्चन। 8 मीटर 9 सेंटीमीटर। ओके, इसमें चेंज करते हैं हम, इसको चेंज करके देखते हैं। मीटर वाली यूनिट चेंज होगी, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100, तो मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, 100 से। बाकी एज इट इज पीछे वापस वैसा लिख देंगे अपन, प्लस 9 सेंटीमीटर। वापस लिख रही हूँ मैं, 8 × 100 सेंटीमीटर का सेंटीमीटर प्लस 9 सेंटीमीटर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आंसर आएगा 800 प्लस 9 सेंटीमीटर। अब इन दोनों को प्लस करो, 800 प्लस 9, 9 का 9 0 0, 8 का 8, 809 आ गया। यस, ओके। अब डी देखते हैं, डी लास्ट वाला करते हैं। 95 मीटर 4 सेंटीमीटर क्या है, 95 मीटर 95 मीटर 4 सेंटीमीटर। अब इसको चेंज करते हैं, चेंज आगे वाली यूनिट होगी क्योंकि वो मीटर में है। 95 को 100 से मल्टीप्लाई, पीछे सेंटीमीटर राइट डाउन करना है, प्लस 4 सेंटीमीटर। ओके, अब इसको प्लस, इन दोनों को इंटू करने पे आंसर हमारा क्या आएगा, 100 × 95 को मल्टीप्लाई करो 9 50 जा 0, 5 0 जा 0, 5 1 जा 5, 9 0 जा 0, 9 0 जा 0, 9 1 जा 9, 9 5 0 0। लिखो यहाँ पे 9 5 0 0 प्लस पीछे एज इट इज 4 सेंटीमीटर, इनको प्लस करने पे आंसर आ जाएगा 9 5 0 4, 9 5 0 4 सेंटीमीटर। ये हमने चेंज कर दिया मीटर को सेंटीमीटर में। इसको रफ कर रही हूं मैं। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर थर्ड हम नेक्स्ट जो वीडियो का उसमें करेंगे।
आज की वीडियो में हमने क्या किया, एक्सरसाइज 10B का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1, ये ऐसे ही करना है आपको, आपकी बुक में 5 है, मैंने 4 करवाए हैं, और ये क्वेश्चन नंबर 2, उसके भी 5 है और मैंने 4 करवाए हैं। ये करने हैं दोनों क्वेश्चन आपको अपनी कॉपी में। तो आज की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया और क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट, स्टे होम, स्टे सेफ।